प्रधानमंत्री ने अपने पद की मर्यादा को इतना गिरा दिया कि उसको फिर से संभालने में दशक लग जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है, नकली है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन कम से कम हमारा न्याय पत्र पढ़ लेते तो पूरे विश्व में आपकी हंसी नहीं उड़ती। हमें तो बुरा लगता है भारत का प्रधानमंत्री की कोई खिल्ली उड़ाए, भले हमारे विरोध में है, हम उनके विरोध में है, हम उनके विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन अफसोस होता है जब पूरा विश्व में प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती। हमारे देश में अब लोगों ने व्हाट्सएप पे विश्वास करना बंद कर दिया, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पर भी लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। जो उनके मुंह से शब्द निकलता है लोग पहले चेक करते हैं अड़ोस पड़ोस में, भाई साहब ये जो इन्होंने कहा ठीक था। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरे तो समझ में आया कि स्थिति एकदम अलग है। जो टीवी पर दिखता है वो जमीन पर नहीं दिखता, और जो जमीन पर दिखता है वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। जमीन पर माहौल बिल्कुल विपरीत था टीवी पर दिखने वाले मुद्दों से। उससे हमें एक उत्साह मिला, और जब प्रथम चरण का मतदान हुआ तो आप सबके सामने हैं। क्या रहा उसमें, आपको मैं कुछ बोलूं उससे कोई यकीन नहीं होगा। अगर यकीन करना है तो प्रधानमंत्री की जुबान, उनकी भाषा, उनकी भाव भंगिमा से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम चरण कैसा गया। पिछले 10 सालों में बहुत सी चीजें गिरी, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा, लेकिन इन सब चीजों से भी जो ज्यादा गिरा वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने अपने पद की मर्यादा को इतना गिरा दिया कि उसको फिर से संभालने में दशक लग जाएंगे। आसान नहीं होगा उस पद की मर्यादा को फिर से स्थापित करना। ऐसी भाषा, और खास तौर पे प्रथम चरण के पश्चात जो भाषा थी प्रधानमंत्री की, या है, माफ कीजिएगा, बट जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं तो व्हाट्सएप अंकल होते हैं ना, वो व्हाट्सएप अंकलों वाली भाषा। प्रधानमंत्री की भाषा फूहड़ कतई नहीं होनी चाहिए। वो एक समाज को दूसरे से भड़काने वाली, लड़ाई करवाने वाला काम राजा का नहीं होता। और इस विशाल देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, वहां का राजा अगर एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करेगा, उस जुबान में बात करेगा, तो इस देश को फिर से संभालना, फिर से वापस पटरी पर लाना, सामाजिक ताने बाने को वापस से जोड़ना आसान नहीं होगा। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दो बार ये जीते अब हम जीतेंगे, वो कोई बात नहीं। देश हार जाए, देश का संविधान हार जाए, देश की सांप्रदायिक सौहार्दता, आपस की सामाजिक ताना बाना हार जाए, वो मुझे नहीं लगता किसी को भी बर्दाश्त होगा। मनगढ़ंत कहानियां सुना सुनाकर, झूठ का सहारा लेकर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है, नकली है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन कम से कम हमारा न्याय पत्र पढ़ लेते तो पूरे विश्व में आपकी हंसी नहीं उड़ती। हमें तो बुरा लगता है भारत का प्रधानमंत्री की कोई खिल्ली उड़ाए, भले हमारे विरोध में है, हम उनके विरोध में है, हम उनके विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन अफसोस होता है जब पूरा विश्व में प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है। वो खुद हंसी उड़वा रहे हैं अपने। हमारे खड़गे साहब ने उनको पत्र लिखा, साहब हम आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं, मैनिफेस्टो ये है, बता दीजिए कहां हिंदू मुसलमान का जिक्र है, कहां ये सब बातें लिखी हुई हैं कि छीन के उसको दे देंगे, आपको क्या डर है अडानी जी की हम संपत्ति छीन लेंगे और बांट देंगे, यही डर होगा प्रधानमंत्री को, तो और क्या डर होगा, एक ही सबका मालिक एक, वही डर होता है उनको कि साहब कहीं मेरे दोस्त का कुछ छिन न जाए। प्रधानमंत्री जी ठीक है, आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, आपके दोस्त का जायज कमाया हुआ तो हम कुछ नहीं छीनेंगे, कुछ गलत किया होगा तो वो कानून है उसके लिए, क्यों डरते हो।
जो भी हो, 102 सीटों पर जो मतदान हुआ पहले चरण में, उसके बाद की बौखलाहट और उसके बाद का झूठ आपने देखा। आज दूसरा चरण खत्म होगा, प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे एजेंसीज हैं जो उनको खबर दे देती हैं, कुछ सही भी देती हैं हिम्मत जुटाकर। वो बताएंगी कि दूसरा चरण में भी साहब मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर मैं आपके माध्यम से इस देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि झूठ और बढ़ेंगे, नए नए झूठ आने वाले हैं, और वो माफ कीजिएगा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के मुंह से वो झूठ निकलेंगे। तो देशवासियों को सजग रहना होगा। जैसे हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं तो आजकल विश्वास देश वाले नहीं करते, हमारे देश में अब लोगों ने व्हाट्सएप पे विश्वास करना बंद कर दिया, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पर भी लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। जो उनके मुंह से शब्द निकलता है लोग पहले चेक करते हैं अड़ोस पड़ोस में, भाई साहब ये जो इन्होंने कहा ठीक था, अगला कहता है किसने कहा, बोले मोदी जी ने, फिर भी पूछ रहे हो ठीक था, कैसे ठीक होगा, मोदी जी ने कहा है, ठीक हो ही नहीं सकता। ये एक उन्होंने अपनी छवि बना दी, लेकिन वो अभी झूठ बहुत बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, नए नए आपको इतिहास गढ़ के बताएंगे, जो इतिहास नहीं हुआ वो बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये सब करेंगे। आज जो मतदान हो रहा है उसमें वायनाड हमारी महत्वपूर्ण सीट है, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, पिछली बार 4 लाख 4.25 लाख वोटों से जीते थे, इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, ये हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। राजस्थान जहां मैं खुद 4-5 दिन लगा के आया, देख के आया, समझ कर आया स्थिति, हम जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा डबल डिजिट में हम वहां सीटें ला रहे हैं। आज दूसरे चरण की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और उत्साहवर्धक हैं, हमारा उत्साह दुगना हो गया और आप लोग भी खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। मैं कोटा गया तो वहां मैंने आप सबको बहुत याद किया, क्यों, क्योंकि वहां जो इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वहां के लोगों ने मुझे बताया साहब कि 19 के चुनाव से पहले लगभग 14-15 के आसपास उन्होंने जीतने के बाद कहा कि मैं अब अगला चुनाव यहां तभी लड़ूंगा जब मैं यहां हवाई अड्डा ले आऊंगा। 19 हो गया, 24 आ गया, हवाई अड्डा नहीं आया और फिर भी लड़ने चले गए। मतलब कमाल की बात देखिए कि आपने अपनी, और राजस्थान के हम लोग जो होते हैं अगर जुबान देते हैं तो उस पर हम रहते हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई वाला मामला होता है हमारा, आप में से कुछ हैं राजस्थान के, राजस्थान का आदमी कोटा की जनता को 2015 में बोलता है कि मैं अगला चुनाव तभी लड़ूंगा जब मैं यहां हवाई अड्डा लाऊंगा, ना हवाई अड्डा आया, लेकिन वो फिर पहुंच गए वोट मांगने, लोग इंतजार कर रहे थे। देखिएगा कोटा में क्या होता है, वहां भी कुछ कुछ हो रहा है। और जो और सीटें आज जहां चुनाव हो रहा है वहां हमारे न्याय पत्र की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, वहां विशेष तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्हें 3 चीजें बहुत पसंद आई हमारे न्याय पत्र की। पहली, नौकरी पक्की, 30 लाख रिक्त पदों को भरने का बात, और शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन माफी, ये एक क्रांतिकारी हमने गारंटी दी है, इसका प्रभाव ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। जहां मोदी जी मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान जो जो बातें करते हैं जो उनके कार्यक्रम उनके पाठ्यक्रम में होती हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पहली नौकरी पक्की, 30 लाख नौकरियां, एजुकेशन लोन, 1 लाख रुपया महिला के खाते में, हम चर्चा ग्राउंड पे ये है और मोदी जी की जुबान पे कुछ और है। जो भी हो, हम निंदा बहुत करते हैं मोदी जी की, लेकिन धन्यवाद भी देना चाहते हैं, हम मोदी जी को तहे दिल से पूरी पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मैनिफेस्टो का जो प्रचार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा आपकी वजह से हो रही है, उसके लिए हम आपके
सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम अपने मैनिफेस्टो का प्रचार कर सकें। आपने जो कमाया, आपकी पार्टी ने जो कमाया, इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाया, एयरपोर्ट बेच के कमाया, खदानें बेच के कमाया, जैसे भी कमाया, पीएम केयर्स फंड में कमाया हो, चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से पैसा ले लिया हो पीएम केयर्स फंड में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जहां से कमाया हो पहली बार आपने सही जगह पर खर्च किया, हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार किया, उसके लिए धन्यवाद। मोदी जी जितनी रैलियां करते हैं, जहां जहां रैलियां करते हैं वहां हमारी सीटें भी बढ़ा के आते हैं, प्रचार वो करने जाते हैं भाजपा का कर देते हैं हमारा, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आने वाले 5 चरणों में भी मोदी जी यही करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पैसे तो आपने जो किया हमारे खातों के साथ वो तो आपको मालूम ही है। तो चलिए, मोदी जी ने एक बड़ा दल दिखाया और हमारा प्रचार का एक बीड़ा उठाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आने वाले 5 चरणों में हमें एक आदमी के बारे में बड़ी चिंता है और उनके लिए हमें वाकई अब चिंतित ज्यादा हैं हम, उनका नाम है नड्डा जी। बिचारों की कोई गलती नहीं थी, एक ही गलती है कि वो अध्यक्ष बन गए भाजपा के। गाली देते हैं मोदी जी, नोटिस आता है नड्डा जी को, ये स्थिति हमारे नड्डा जी की है। नड्डा जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब जहां आपने इतना बर्दाश्त किया, 5 चरण और बर्दाश्त कर लीजिए, 2-3 नोटिस आएंगे, उससे ज्यादा तो क्या होगा। चुनाव आयोग भी डरा हुआ है, हाथ कांपते हैं चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री को नोटिस देने के लिए। कभी ऐसा चुनाव आयोग देखा आपने कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का नाम लिखने से कांप रहा है? यह खतरा है लोकतंत्र पे। इस खतरे का ये पहली आहट है। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग की जरूरत भी नहीं रहेगी इस देश में, क्योंकि चुनाव ही नहीं होंगे। हम ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, ये कल जो नोटिस नड्डा जी को गया है ये उसका पहला उदाहरण है, ये इसकी पहली झांकी है। प्रधानमंत्री को नोटिस भेजने की हिम्मत अभी से नहीं है चुनाव आयोग की। सोचिए अगर ये तीसरा टर्म इनको मिल गया तो क्या होगा, इसलिए इन्हें रोकना है ताकि चुनाव आयोग बिना डर के नोटिस दे सके लोगों को, उसकी स्वायत्तता बनी रहे, एजेंसीज निडर होकर काम कर सकें और नड्डा जी बिना बात के नोटिस न पाएं। इसलिए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है और हमारे न्याय को मौका देना है, नौजवानों को मौका देना है, अग्निवीर से जो पीड़ित लोग हैं उनको मौका देना है। अभी चुनाव चल रहे हैं, हमारा आपका ध्यान भटकाया जा रहा है मछली मंगलसूत्र और मुसलमान में, लेकिन चीन क्या कर रहा है सैटेलाइट से, अभी परसों चित्र आए हैं, आप में से कुछ लोगों ने दिखाए हैं जिनकी हिम्मत थी। चीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़क बना रहा है, रेल बना रहा है, यह स्थिति चीन ने कर दी है। लाल आंख बंद है, आंख खुली भी नहीं है, चीन की तरफ तो आंख बंद हो जाती है। जब से क्लीन चिट दी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो सड़क बना रहा है उन इलाकों में जहां चीन नहीं आ सकता। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे अब हमारे कब्जे में नहीं है, हम वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं, उनके पास गांव बनाए जा रहे हैं। हमें कुछ विशेषज्ञों ने बताया, रक्षा विशेषज्ञों ने, हैप्पी विलेज बना दिया चाइना ने, हैप्पी विलेज, वहां अच्छी सुविधाएं दे दी। आंख बंद है हमारे साहब की, क्योंकि साहब मछली मुसलमान और मंगलसूत्र में व्यस्त है, और मंगलसूत्र की बात मोदी जी करते हैं बताइए, हंसी नहीं आएगी? आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं उस कारण से नहीं बोल रहा हूं जिस कारण से आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हंसने की बात है लेकिन उस कारण से नहीं जिस कारण से आप हंस रहे हैं। तो अब जितने भी लाइनें सुबह हमने देखी, जहां जहां देखी, हमें पूरा, हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारा वोटर, हमारा वर्कर पूरे उत्साह के साथ इस दूसरे चरण में गया और कई जो हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा सीटें हासिल करके लौटा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।